हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अब तक अगर आपने मूली की सब्ज़ी नहीं बनाई है और सर्दियाँ जाने वाली है, तो आप एक बार मूली की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। मूली की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। आज मैं आपको एकदम नया तरीका बताऊंगी मूली की सब्जी बनाने का, जिससे कि हमारी सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज की रेसिपी मूली की सब्जी। मूली की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले मूली लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे हम, और पत्तों को भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और छोटा छोटा काटेंगे। मूली के पत्तों को आप फेंके नहीं, आप मूली के साथ ही इन पत्तों को भी बारीक बारीक काट लीजिए। मूली के पत्तों से भी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए आप मूली के पत्तों को फेंकिए मत। मूली को हमने बारीक बारीक काट लिया है, अब हम इस मूली को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसे अच्छे से साफ कर ले और इसके अंदर से मिट्टी हो तो वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर मूली को ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम पानी के अंदर बढ़िया 2 से 3 बार अच्छा धो लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी में हम कटी हुई मूली डाल देंगे और इसे अच्छा सा बॉईल करेंगे। जब तक कि हमारी मूली सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक हम इसे अच्छा सा बॉईल करेंगे।
आप देख सकते हैं ये हमारी मूली बॉईल हो गई हैं, और इसे आप चेक करके देख लीजिए कि मूली सॉफ्ट हुई या नहीं, और फिर गैस को आप बंद कर दीजिए। मूली बनाने के लिए हम बेसिक मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है और साबुत धनिया लिया है। जब हम लहसुन के साथ साबुत धनिया डालते हैं तो हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है और खाने में सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और साबुत धनिया को एक साथ बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब हम बेसिक मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी धनिया लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, मिर्च आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक आप स्वादानुसार ले सकते हैं। अब हम इन मसालों के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम मसालों को रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है और हम तेल के अंदर ऊपर से जीरा का वगार देंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। प्याज के फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर जो हमने मसाला रेडी करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे और बढ़िया सा पकने देंगे। थोड़ा सा पानी हम ऊपर से डालेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे कढ़ाई में चिपके नहीं, और ढक्कन लगाकर रख देंगे। मूली की सब्जी में हम खटाई डालने के लिए यहाँ पर राजस्थान की प्रसिद्ध काचरी इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि मूली की सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे मैंने काचरी को मिक्सी के जार के अंदर पीस लिया है और इसका फाइन सा पाउडर रेडी कर लिया है और एक कटोरी के अंदर लिया है। तिल का मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम तिल और काजरी को मिक्स कर लेंगे। साथ में ही हमारा मसाला पक गया है। तिल ने किनारा छोड़ दिया है और मसाला बढ़िया पककर तैयार है। अब हम इस मसाले के अंदर तिल और काजरी का पाउडर डालेंगे।
बॉयल मूली को हम पानी में से निकाल लेंगे। और इसे हम हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप हाथ से इसे हल्का सा क्रश कर सकते हैं। गाजरी के पाउडर को हमने 2 मिनट के लिए बढ़िया पका दिया है, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। गाजरे से मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने गाजरे की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर शेयर की है, और मैंने इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन एंड पे इसकी रेसिपी डाल दी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बॉईल करी हुई मूली इसके अंदर डाल देंगे। बढ़िया मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे, ताकि मसाले मूली के अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए सब्जी को। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी के साथ लीजिए। इस सब्जी को मैं बाजरे की रोटी के साथ खाती हूँ, तो मुझे ये सब्जी बहुत ही पसंद है। और आप भी मूली की सब्जी ट्राई करिए, और इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी मूली की सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई रेसिपी में।